पिछले क्लास में संविधान का परिचय दिया गया था। आज भारतीय संविधान के आयाम पर विचार करेंगे। इसके विभिन्न आयाम है, जिसमें संघवाद, संसदीय शासन पद्धति और भी है, लेकिन आज हम केवल दो ही आयाम पर विचार करेंगे। संघवाद। संघवाद सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी शक्तियों का विभाजन केंद्र स्तर और विभिन्न इकाइयों की स्तर पर की गई है। भारत में सरकार को तीन भाग में बांटा गया है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की सरकारें। केंद्र स्तर संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, इसमें 97 विषय हैं, सुरक्षा, रेल, डाक, संचार इत्यादि। अभी वर्तमान में 100 है। दूसरी सूची राज्य सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। इसमें 66 विषय है, जैसे भूमि, कृषि, पुलिस इत्यादि। वर्तमान में 62 है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को है और इसमें 47 विषय थे, अभी 52 है, जैसे शिक्षा, वन, स्वास्थ्य इत्यादि। एक अलग और एक सूची है अवशिष्ट सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि को लिया गया है। अब दूसरी पहलू है संसदीय शासन पद्धति। भारत में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें सरकार के जो विभिन्न अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जिसमें से कार्यपालिका विधायिका के बीच संबंध होता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र न्याय देना पड़ता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल के हाथों में होती है तथा विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री प्रधान होते हैं और वे बहुमत दल के नेता के रूप में होते हैं और उसकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। धन्यवाद।